हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल एंड आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। नाउ पहली बात तो ये है कि ये जो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए, ये जो मैं ट्यूटोरियल आपको दे रहा हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल ट्यूटोरियल फॉर यू एंड फॉर योर इंटायर टीम। बिकॉज द रीज़न फॉर दैट इज़, आज इस वाले ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू यूज़ जूम क्लाउड मीटिंग। जूम क्लाउड मीटिंग जो एक सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी इसको कर सकते हैं या आईपैड में। नाउ बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे लोग जूम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, बट देर आर स्टिल मैनी मैनी थिंग्स विच मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट। सो ये जो ट्यूटोरियल है, इसमें मैं आपको क्या क्या कवर करने वाला हूँ, जल्दी से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इस ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अबाउट हाउ टू इंस्टॉल जूम क्लाउड मीटिंग ऑन लैपटॉप या मोबाइल। हालांकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बट क्विकली आई विल कवर दिस अप बिकॉज मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए जूम बिल्कुल ही नया है। ओके, और पहला तो ये हो गया क्विकली हाउ टू इंस्टॉल, एक सिंगल लिंक से कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, वेरी क्विकली आई विल टेल यू। सेकेंड, हाउ टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट ऑन जूम। ओके, फ्री अकाउंट कैसे बनाएं। थर्ड, हाउ टू ज्वाइन अ जूम मीटिंग एज अटेंडी। ओके, किसी की जूम मीटिंग कैसे अटेंड करें। फोर्थ, हाउ टू होस्ट अ जूम मीटिंग एज होस्ट, अगर आपको जूम मीटिंग होस्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट जूम फ्री मोड, एक होता है फ्री, जो फ्री में आप अकाउंट बना सकते हैं जूम में, बट हाउ टू कन्वर्ट इट टू प्रो मोड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फ्री में क्या मिलता है और प्रो मोड में क्या मिलता है, कितना खर्चा होता है, ये सब चीज़ें। जूम मीटिंग एंड अकाउंट सेटिंग्स, तो जूम मीटिंग जो हम करते हैं, मीटिंग की भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिसपे हम अक्सर गौर नहीं करते, बट अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, हाउ टू स्विच टू वेबिनार मोड, तो एक होता है फ्री मोड, एक होता है प्रो मोड और एक होता है वेबिनार मोड, तो वेबिनार मोड क्या होता है, कैसे स्विच करें, क्या डिफरेंस होता है। हाउ टू होस्ट जूम वेबिनार्स एंड सेटिंग्स, ठीक है, एक होता है मीटिंग, एक होता है वेबिनार, तो इनमें क्या डिफरेंस है। वेबिनार में बहुत ज़बरदस्त बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैं तो वेबिनार मोड ही यूज़ करता हूँ, सो क्या फीचर्स है मैं आपको बताऊँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको ये सुन के। नाउ हाउ टू कनेक्ट जूम मीटिंग, जो आप जूम मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप या फिर वेबिनार कर रहे हैं तो YouTube और Facebook से कैसे कनेक्ट करें, सो दैट Zoom भी मीटिंग चल रही है वही लाइव YouTube पे भी दिख रहा है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ, Zoom को कनेक्ट कर देता हूँ YouTube से और वहाँ पे लाइव चलता रहता है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट, हाउ टू रिकॉर्ड मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स हम लोग Zoom पे करें उनकी रिकॉर्डिंग करें, और अगर मान लीजिए आपने कोई पावरफुल सेशन दिया है उसकी रिकॉर्डिंग करके क्यों ना उसको बार बार बाद में यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इफ़ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, using the comment box just type excited to know all these things, okay, so let's start it. So let's go step by step. सबसे पहले how to install Zoom cloud meeting, so बहुत जल्दी से इसको cover करते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने टीम मेंबर को बोलते हैं कि यार जूम इंस्टॉल कर लो, फिर वो कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, कोई यूज़ कर रहा होता है आईफोन या अलग अलग फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सिंगल लिंक जिससे कि आप किसी, बस उसको व्हाट्सएप पे आप दे दो, वो क्लिक करेगा, वो सीधा इंस्टॉलेशन की तरफ चले जाएगा। नाउ उस लिंक का नाम है, उस वेबसाइट का नाम है www.zoom.us। ओके, इसको ध्यान से आप अगर नोट कर रहे हैं साथ साथ में तो अच्छा रहेगा, www.zoom.us एंड डाउनलोड। ओके, www.zoom.us/download, इस लिंक को आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए। इस लिंक को आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो किसी के साथ भी। ओके, और जैसे ही अब उस पर क्लिक करेगा ये zoom.us/download तो ये वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे दिख जाएगा सीधा डाउनलोड करने के लिए। ओके, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख गया। ये सब छोड़ दीजिए, आउटलुक एड इन ये सब अभी यूज़ करनी है, ये सब एक्सटेंशन भी छोड़ दीजिए, नॉट इन मतलब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें में ना घुस के। और यहाँ पे डाउन जाते हैं मोबाइल ऐप, तो या तो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा होगा, ओके, या फिर आईफोन। सो यहाँ पर वो स्क्रॉल डाउन करके इन दोनों में से किसी भी क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकता है, सीधा ऐप स्टोर में चले जाएगा, ये सीधा गूगल स्टोर में, गूगल प्ले में क्लिक करके देखते हैं। चलिए, मैंने अभी एंड्रॉयड उस पर क्लिक किया, ये डायरेक्टली जूम क्लाउड मीटिंग ये खुल गया। ओके, वरना अगर हम सीधा डायरेक्टली अगर ऐप स्टोर में सर्च करते हैं जूम, कोई अगर सर्च करता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं वहाँ पर। तो आदमी अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो नए नए टीम में आते हैं उन लोगों को मैं शेयर करता हूँ कि जूम इंस्टॉल कर लो, फिर वो ये स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर इसमें से कौन सा करूँ, हालांकि पहले वाला दिख रहा है, बट व्हाट यू कैन डू इज जूम इसमें क्लिक करके, बहुत ही आप इस पर क्लिक करके ये वाला जो लिंक है आप इसी को कॉपी पेस्ट करके उनको दे सकते हैं, भाई इस पर क्लिक कर लो, यहाँ से इंस्टॉल कर लो अगर एंड्रॉयड है तो।
वरना अगर आईफोन है तो इस पर क्लिक करके फ्रॉम दिस ऐप स्टोर यू कैन डाउनलोड इट. ओके, बहुत सिंपल है. और सिमिलरली अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी व्हाट यू कैन डू इज जस्ट, अगर आपके पास मैकबुक है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज जूम रूम, इसकी ज़रूरत नहीं है. सिंपल सा आप इसी को डाउनलोड कर सकते हैं, वेब ब्राउजर क्लाइंट टू डाउनलोड ऑटोमेटिकली, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से. ओके, सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, सो जूम ऐप अगर आपने डाउनलोड कर ली है आपके लैपटॉप में, और मैं अब कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ यूजिंग लैपटॉप. सो लैपटॉप में मैंने क्या करा है, जूम को मैंने डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया है. ओके, अब इंस्टॉल करने के बाद सेकेंड स्टेप बिल्कुल इस तरीके से खुल जाएगा. ओके, जूम सेकेंड स्टेप क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, या तो हमको किसी की मीटिंग अटेंड करनी है. ओके, किसी हमको किसी ने लिंक भेजा, उस पर क्लिक, अगर आपके पास ये जूम इंस्टॉल्ड है और आपने उस मीटिंग पर क्लिक किया तो वो अपने आप ही खुल जाएगा, अपने आप ही वो मीटिंग ओपन हो जाएगी. ओके, और वो मीटिंग ओपन होने के बाद वो कुछ हो सकता है कि आपसे मीटिंग आईडी, जूम एप्लीकेशन अगर आप खोल रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि मीटिंग कैसे ज्वाइन करनी है, मान लीजिए आपको ये नहीं पता, तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर वो जो पर्सन है आपको कोई ना कोई अपना मीटिंग आईडी देंगे. ओके, एक जूम मीटिंग आईडी होती है, तो ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पर मीटिंग आईडी टाइप करिए, जो मीटिंग आईडी उन्होंने आपको दी है अगर आपको किसी ने इनवाइट कराया. तो जैसे मैंने आपको बोला कि मीटिंग आईडी है 3030045512 एग्जांपल, तो इस पर हम मीटिंग आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना नाम डालना होगा. जैसे मैंने डाल दिया तरुण अग्रवाल, तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा तो वहाँ पर दिखेगा तरुण अग्रवाल हैज़ ज्वाइन द मीटिंग. ओके, इस मीटिंग आईडी से. एंड डोंट कनेक्ट माई ऑडियो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा. टर्न ऑफ माई वीडियो, तो जैसे ही ऑन हो जाएगा तो मेरा वीडियो भी ऑफ रहेगा. ओके, एंड देन क्लिक करेंगे ज्वाइन पे, वो मीटिंग चल रही होगी तो हम ज्वाइन हो जाएंगे उस मीटिंग के अंदर. वेरी सिंपल टू ज्वाइन द मीटिंग. एक तो ये हो गया मीटिंग आईडी के थ्रू, एक हो गया लिंक, अगर है तो लिंक पे क्लिक करेंगे अपने आप खुल जाएगा. जूम इंस्टॉल होना चाहिए, डेट्स इट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको खुद मीटिंग बनानी है, अगर आपको लोगों को मीटिंग देनी है, अब अगर मान लीजिए मीटिंग अटेंड करनी है तो अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको मीटिंग देनी है एज अ होस्ट, सो यू कैन क्लिक ऑन साइन इन. साइन इन पे क्लिक करिए, बहुत सिंपल है. देखिए, और यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, अगर नहीं बना है जूम में तो जस्ट क्लिक ऑन हेयर साइन अप फ्री. ओके, साइन अप फ्री पे क्लिक करिए एंड अपने आप ही पीछे से गूगल क्रोम खोल देगा, एक ब्राउज़र ओपन कर देगा. ठीक है, और यहाँ पर वो पूछेगा ये सारी डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कुछ भी डाल देते हैं अप्रैल, जस्ट मैंने एग्जांपल की तरह, और ये मत सोचिए कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं जस्ट एग्जांपल पर आपको दे रहा हूँ. ओके, सो ये डाल दिया एंड कंटिन्यू. ऑलराइट, एंड देन योर वर्क ईमेल आईडी, मान लीजिए मैंने वर्क ईमेल आईडी डाल दिया डिजिटल नेटवर्कर तरुण एट gmail.com. ओके, नाउ ये मैंने डाला एंड देन क्लिक ऑन दी साइन अप. तो इससे क्या होगा कि जूम में आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, दिस इज़ अ न्यू अकाउंट जो कि बन रहा है. अब ये बोल रहा है कि जूम वालों ने एक ईमेल भेज दिए इस ईमेल पे. ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपनी ईमेल आईडी ओपन करूँगा और चेक करूँगा कि वहाँ पर जूम से कोई ईमेल आई है कि नहीं. तो यहाँ से एक ईमेल मेरे पास आई है जूम से. ओके, ऑन द सेम ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी खोल के आप देखेंगे तो वेलकम टू जूम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टिवेट अकाउंट, तो जस्ट क्लिक ऑन एक्टिवेट अकाउंट. और ये सब चीज़ आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ़ोन में भी आपके ईमेल कॉन्फ़िगर होगा, उस ईमेल पे आपको ईमेल आ जाएगी इसी ईमेल आईडी पे जो आपने डाला. फिर ये आपसे हम क्या मांग रहे हैं, फर्स्ट नेम तरुण, लास्ट नेम मैंने डाल दिया अग्रवाल, और जो भी मुझे पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड की कुछ ये सब चीज़ें कि ऐसे डाल सकते हो, तो मैं एक पासवर्ड डाल रहा हूँ और मैं आपको नहीं बताऊँगा. ठीक है, सो आप भी अपना एक पासवर्ड डाल सकते हैं जो कि कोई भी, मतलब एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर एट द रेट या जो भी है, ये सब चीज़ें करके डाल सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. तो ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी, मेरा नाम, इससे मेरा एक फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. बहुत सिंपल है, एक बस मैंने फ्री अकाउंट बनाया, डेट्स इट. ये कह रहा है कि किसी और को ज्वाइन, और किसी और को यहाँ पे जूम में डालना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई, तो हटाइए इसको, स्किप कर देते हैं. लेकिन आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके चलिए, ठीक है. स्टार्ट योर टेस्ट मीटिंग, तो टेस्ट मीटिंग अभी नहीं स्टार्ट करनी है, तो ये सब छोड़िए, ये हो गया. ओके, गो टू माय अकाउंट, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, वापस इसमें चलते हैं.
हाँ भाई, हमारा एक अकाउंट बन गया, अभी इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, जो पीछे जो कुछ भी खुला हुआ है। हमारा एक अकाउंट बन गया और एक्टिवेट हो चुका है। अब जूम में वापस जूम ओपन करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल करी हुई है या फिर अपने लैपटॉप में भी जो इंस्टॉल है, वो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। जो ईमेल आईडी डाली थी मैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ, डिजिटल नेटवर्कर तरुण @gmail.com। और जो पासवर्ड मैंने डाला था जूम में अपना अकाउंट बनाते हुए, मैं पासवर्ड डाल दिया और साइन इन कर दिया। अब यहाँ से मेरा फ्री अकाउंट, दिस इज़ अ फ्री अकाउंट, और फ्री अकाउंट में देख सकते हैं एकदम से क्या ऑप्शन दिखा रहा है, न्यू मीटिंग ज्वाइन, अगर मीटिंग ज्वाइन करनी है, कोई मीटिंग आगे शेड्यूल करनी है या फिर अपनी शेयर करना है और सीधा कोई मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे चैट फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। एंड मीटिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जैसे ही हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, जैसे दिस इज़ अ बिल्कुल फ्रेश अकाउंट, दिस इज़ अ फ्रेश अकाउंट, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इट शोज़ बेसिक ओके। और इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा मैसेज क्या दिखा रहा है, मीटिंग्स यू होस्ट विद 3 or more पीपल विल बी लिमिटेड टू 40 minutes। मतलब कि अगर ये फ्री अकाउंट है, बेसिक अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी जूम मीटिंग करूँगा, 1-to-1 अगर मैं कर रहा हूँ, दो लोग मीटिंग कर रहे हैं तो अनलिमिटेड मीटिंग कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल लोग मीटिंग कर रहे हैं, तीन या तीन से ज़्यादा लोग, तो 40 मिनट के बाद वो मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। ये फ्री अकाउंट है, इसलिए कोई रुपया नहीं लगा, एब्सोल्युटली फ्री। तो बहुत टाइम तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, मैं जूम का फ्री अकाउंट ही यूज़ कर रहा था। ओके, मुझे ऐसा लगता था भाई क्या फालतू मैं कुछ भाई जूम पे इस पर भी खर्चा करूँगा, नहीं तो मैंने फ्री अकाउंट बहुत यूज़ करा। तो खैर जो भी है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। जैसे ही हमने अपना अकाउंट बना के लॉगिन किया, ये सब दिख रहा है, मीटिंग्स पे जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने एक नंबर यहाँ पे डाल दिया, 3982565223। तो ये एक डिफ़ॉल्ट पर्सनल मीटिंग आईडी बन चुका है, पर्सनल मीटिंग आईडी मतलब कि मेरा मीटिंग आईडी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर आई कैन क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं होम पे जाकर अगर यहाँ पे मैं न्यू मीटिंग करता हूँ तो हर बार मीटिंग आईडी न्यू बन जाएगा, एक नया मीटिंग आईडी। ओके, अभी देखिए कनेक्टिंग दिखा रहा है और आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर, और दिस इज़ अ, और यहाँ पे आप ऊपर ध्यान से देखिए, ध्यान से ऊपर जूम मीटिंग आईडी 1573222959। तो ये एक मीटिंग आईडी है जो कि रैंडमली कुछ भी बना दिया इसने, रैंडमली। सो वीडियो चल रहा है, आई कैन स्टॉप द वीडियो। एंड यहाँ पर मैनेज पार्टिसिपेंट से पहले एक ऑप्शन आ रहा है इनवाइट, अगर मैं इनवाइट पे क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है कॉपी यूआरएल। ओके, कॉपी यूआरएल, तो जैसे मैंने कॉपी किया, कॉपी हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉपी हो गया, कॉपी हुआ क्या एक्चुअली। सो जो मीटिंग आईडी, जो पूरा मीटिंग का एक यूआरएल है जो बना है अभी, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये बना है। ओके, ये पूरा का पूरा बना है। ओके सॉरी, काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो दिस, ये पूरा कितना बड़ा, इतना बड़ा बन गया। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ना पासवर्ड भी दिखा रहा है, 5CAFFU। सो बाय डिफ़ॉल्ट, अभी जूम में कुछ नए अपडेट्स आए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अब जब भी आप कोई पर्सनल मीटिंग आईडी के थ्रू जब आप मीटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही को एक पासवर्ड बना देता है। सो दैट अब क्या होगा, अब आपको किसी को अपनी मीटिंग में लेके आना है, मान लीजिए ये आपकी मीटिंग है जहाँ पे 1573222 एक नई मीटिंग मैंने बनाई है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी पर्सन को जिसको मुझे देना है, मैं व्हाट्सएप को ओपन करूँगा, ये व्हाट्सएप नहीं है, और मैं उनको क्या बोलूँगा, ज्वाइन माई मीटिंग। ओके, जूम आईडी में क्या दूंगा, जो ऊपर दिख रहा है 157, ऊपर देखिए जूम में पीछे 1573222 and 959। सो इस तरीके से अगर मैं ये मैसेज किसी को भेज दूंगा, वो जूम ओपन करेगा, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेगा, ये डाल देगा मीटिंग आईडी, फिर उसके बाद उसको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा क्योंकि वो पासवर्ड मांगेगा फिर उनसे। तो पासवर्ड के लिए इसी यहाँ पर जो मैंने इनवाइट पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे पासवर्ड दिखा रहा है 5CA, तो मुझे ये देना पड़ेगा उनको भाई कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5CAFFU, जो कैपिटल है कैपिटल में, स्मॉल में, तो ये करके आप दूसरे आदमी को दे सकते हैं, वो आपकी मीटिंग, जब तक आपकी मीटिंग ओपन है वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। ओके, या फिर इस पूरे यूआरएल को शेयर कर दीजिए तो एज इट इज़ ओपन कर लेगा, क्योंकि पासवर्ड इस तरीके से मांगेगा, तो आप ये पासवर्ड दे सकते हैं। ऑलराइट, आई होप इतना समझ में आया। यस, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते रहिए, यस समझ में आ रहा है, ओके, गॉट इट, जस्ट आई गॉट इट।
ठीक है चलिए इतना करते हैं. और ये तो तब हो गया जब मैंने आपको बताया कि फिर एंड मीटिंग पे क्लिक करके मीटिंग एंड कर देते हैं फिलहाल, जब मैंने यहाँ से मीटिंग बनाई. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मीटिंग बार बार हो रही है और सेम मीटिंग आईडी बार बार मीटिंग आईडी, क्योंकि यहाँ से अगर हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो हर बार नई मीटिंग आईडी बनेगी, तो गो टू मीटिंग्स, मीटिंग्स पे जाकर ये जो पर्सनल मीटिंग आईडी है ये कभी चेंज नहीं होता, इसको एज इट इज़, ये हमेशा एज इट इज़ रहेगा. तो क्यों ना लोगों के अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बार बार मीटिंग आईडी चेंज हो रही है समझ नहीं आ रहा उनको, तो कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जूम में यहाँ पर मीटिंग्स में आकर दिस इज़ योर पर्सनल मीटिंग आईडी और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमेशा इसी मीटिंग आईडी से स्टार्ट होगा. और नीचे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिस इज़ योर मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड. ओके ओके, तो आप क्या कर सकते हैं ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके उनको दे सकते हैं, टॉपिक मतलब जो भी है जॉइंट जूम मीटिंग, और इस तरीके से ये आ जाएगा बन के. एंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, दिस वन. ओके, तो ये हो गया लिंक और ये हो गया मीटिंग आईडी और ये हो गया पासवर्ड. तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि हर बार ये मीटिंग आईडी हमेशा यही रहेगी, तो बार बार लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो ऑलवेज इट इज सेंसिबल टू यूज़ योर पर्सनल मीटिंग आईडी बार बार अपनी टीम मीटिंग कर रहे हैं तो. आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर. बहुत ही सिंपल मैंने चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल वे में बताऊँ. ओके, बट जो लोग जूम को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको लोगों को लगेगा ये सब तो पता है, तो चलिए आपको पता है तो हम आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर अगर आप इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट, वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी. ओके, फिर से आप देखेंगे एक नई मीटिंग स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ पर मीटिंग आईडी हमेशा सेम रहेगा. तो इस तरीके से ये मीटिंग स्टार्ट हो गई. नाउ जैसे कोई पर्सन ज्वाइन करता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे फ़ोन से इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ. 398-256-5223. मैं अपने फ़ोन से इसमें ज़रा ज्वाइन कर रहा हूँ एज पार्टिसिपेंट. ओके, और ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या दिखाता है. और ये मीटिंग पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, तो पासवर्ड इज़ दिस, पासवर्ड इज़ 8H, यहाँ दिख रहा है नीचे मीटिंग पासवर्ड HE8DV. ओके, दिस इज मीटिंग पासवर्ड. तो ये मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मैंने ज्वाइन कर लिया अपने फ़ोन से. तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या ऑप्शन दिखा रहा है. अभी जूम में नए अपडेट्स आए हैं इसलिए ये सब हो रहा है. अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वन वेटिंग. और ये तो आप ही है, ये तो मतलब मैं ही हूँ जिसने अभी लॉगिन किया हुआ है. लेकिन ये जो पर्सन है जो मैंने दूसरे फ़ोन से किया हुआ है यहाँ पर, तो वहाँ पर ये दिखा रहा है एडमिट करने के लिए. जब तक मैं एज अ होस्ट उसको एडमिट नहीं करूँगा तब तक वो नहीं आएगा इस मीटिंग के अंदर. लेकिन मान लीजिए मीटिंग में बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आपको लग रहा है कि यार ये बार बार लोगों को एडमिट करता रहूँगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मोर पर क्लिक करके, यू कैन क्लिक हेयर, पुट पार्टिसिपेंट्स इन वेटिंग रूम ऑन एंट्री. इसको अनचेक कर दीजिए. ओके, इसको अनचेक कर दिया हमने. ध्यान से देखिएगा, मोर पे क्लिक करके पुट पार्टिसिपेंट्स इन वेटिंग रूम ऑन एंट्री, इसको मैंने अनचेक कर दिया. पहले टिक था, अब क्लिक करके अनटिक कर दिया. अब एक काम करता हूँ, मैं दूसरे फ़ोन से जो आ रहा था मैं फिर से चले जाता हूँ अभी और फिर से एंट्री करने की कोशिश करता हूँ इसी मीटिंग आईडी से. अपने फ़ोन से मैं एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ. पासवर्ड मांग रहा है, एक मिनट रुकिए जरा मैं पासवर्ड डाल दूँ. यह है 8HE8DV. कंटिन्यू किया तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा पार्टिसिपेंट्स में. ओके, सो ऑटोमेटिकली आ गया. अब इसने मांगा नहीं मेरे से, इसने मेरे से बिल्कुल भी मांगा नहीं कि एडमिट करना है कि नहीं. तो एज अ होस्ट ये बहुत सरदर्दी हो जाती है कि लोग आए जा रहे हैं एडमिट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आ नहीं पा रहे मीटिंग के अंदर. सो आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ अ न्यू अपडेट इन जूम और उसकी वजह से एज अ होस्ट आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है. आप बस यहाँ पर पुट पार्टिसिपेंट इन वेटिंग रूम को अनचेक कर दीजिए, बस दैट्स इट. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे एक एक करके मैं थोड़ा सा कंट्रोल भी आपको बता दूँ. ये सारा फ्री अकाउंट है, ये पासवर्ड दिख रहा है यहाँ पर. ओके, सो और ये हो गया मीटिंग URL. आप अगर आप और किसी को देना चाहते हैं कि भाई ज्वाइन कर लो मीटिंग, तो इसको कॉपी कर, ये क्लिक कर गया, कॉपी कर लिया और पेस्ट करके दे सकते हैं. नाउ द थिंग इज़, ये हो गया म्यूट अनम्यूट, वेरी सिंपल, म्यूट अनम्यूट.
ये हो गया स्टार्ट वीडियो, ये स्टॉप वीडियो. यहाँ पे गैलरी मोड पे क्लिक करूँगा मैं, इन केस आई क्लिक ऑन गैलरी मोड तो ये दोनों दिख रहे हैं. एंड दिस इज़ माई अनदर फ़ोन, मतलब ये मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है. मतलब ऐसा तो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, बट दिस इज़ एन अनदर पर्सन. ओके, तो गैलरी मोड में इस तरीके से ये दिखेगा, ये दो लोग. अब अगर मान लीजिए आपको चाहिए स्पीकर मोड, कि जो बोल रहा है सिर्फ उसी की वीडियो दिखे, तो क्लिक ऑन हेयर स्पीकर मोड, तो जो बोल रहा है उसको दिखेगा. ठीक है, उसका दिखेगा. ऑलराइट, अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यूट किया हुआ है, अब जैसे अनम्यूट करते हैं, जो बोल रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ही इसको वो कर रहा हूँ. ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, देयर इज़ एन ऑप्शन, जैसे ये ऊपर दिख रहा है ये वाला, इस पर मैं क्लिक किया एंड इसमें एक ऑप्शन आ रहा है पिन वीडियो. पिन वीडियो का मतलब कि हमेशा इन्हीं की वीडियो दिखेगी सिर्फ. अब जैसे मैंने पिन वीडियो कर दिया अपना, तो ये वाली वीडियो, ये वाला जो पार्टिसिपेंट है वो पीछे चला गया. और अब जितनी भी पार्टिसिपेंट हैं, मान लीजिए 50 पार्टिसिपेंट हैं, 50 लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं, तो 50 लोगों को जिसका मैंने एज अ होस्ट मैंने पिन कर दिया एक वीडियो, तो जो मेरा ही वीडियो लोग देख पाएंगे. वरना मीटिंग में क्या होता है, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी की वीडियो, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ही वीडियो लोग देखें, बाकी लोगों की वीडियो ना देखें, मतलब कि जिस टाइम पे वेबिनार चल रहा है, वो मीटिंग चल रही है. तो दिस वे आई कैन डू पिन वीडियो, यही वीडियो दिखेगी. ओके, गैलरी मोड, इसको वापस अनपिन कर देते हैं. दिस इज़ गैलरी मोड, ये दो लोग दिख रहे हैं ऐसे करके. ओके, यहाँ पर जूम में मान लीजिए कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है. मैं यहाँ पे एक मिनट पहले ऑडियो ऑन कर देता हूँ. जूम में कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है, कि जैसे दो तीन मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी कभी भी अनम्यूट करके बोले जा रहा है, और फिर स्पीकर अक्सर मैं देखता हूँ कुछ मीटिंग्स में लोग क्या करते हैं कि हाँ सुरेश जी, हाँ सौरभ जी, अरे वो अपना म्यूट करके रखिए, फिर एकदम से बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई. तो लोगों को पता नहीं चलता, जो लोगों ने अटेंडी होते हैं उनको खुद पता नहीं चलता कि कब उनका माइक अनम्यूट हो गया, वो बोले जा रहे हैं. तो एज अ होस्ट अगर आपको एक इफेक्टिव मीटिंग करनी है, आप क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर मैनेज पार्टिसिपेंट, ये सारे पार्टिसिपेंट की लिस्ट दिख जाएगी और बाकी लोगों को भी दिख रही होगी कि कितने लोग हैं इस मीटिंग के अंदर. व्हाट यू कैन डू इज जस्ट क्लिक हेयर म्यूट ऑल पे क्लिक करिए. एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है, करेंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स विल बी म्यूटेड, सब म्यूट हो जाएंगे. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ. देखिए अगर मैंने इसको कुछ छेड़ा नहीं और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सब लोग म्यूट हो गए अभी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब दूसरा पर्सन लेकिन अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. अभी मैंने म्यूट कर दिया लेकिन वो फिर से अनम्यूट करके बातें करने लग गए, तो डिस्टर्ब करने लगे. तो सो व्हाट आई कैन डू इज फ्रॉम हियर म्यूट ऑल, और इसको अनचेक कर देते हैं, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, और फिर कंटिन्यू करते हैं. तो अब ये जो पार्टिसिपेंट है, बाकी जितने भी लोग होंगे, वो अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट अनम्यूट देमसेल्फ. ओके, सो विच मीन्स नो डिस्टर्बेंस एट ऑल. सो म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, इसको बस अनचेक करना है, दैट्स इट. ओके, कंटिन्यू. लेकिन अब अगर मान लीजिए मीटिंग खत्म हो गई और आपको डिस्कशन करना है, तो वो अगेन अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग अनम्यूट कर पाएं, सो क्लिक ऑन हेयर म्यूट ऑल, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ एंड कंटिन्यू. अब लोग अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं. जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन से, आप देखिएगा इस वाले आइकन को देखिएगा, ये जो म्यूट है, यस खुल गया, बंद हो रहा है, मैं दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ. ओके, सो दिस वे यू कैन म्यूट अनम्यूट. ओके, एंड मोड पे क्लिक करके थोड़े से सेटिंग देख लेते हैं. म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री, ये बाय डिफॉल्ट चेक है, कुछ छेड़िए मत. जैसे कोई नया टीम मेंबर ज्वाइन करेगा मीटिंग को, अपने आप ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा. हेलो पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं कि आप अलाउ करना चाहते कि नहीं. प्ले एंटर, इसको हमेशा अनचेक करके रखिए वरना बहुत डिस्टर्बेंस होती है. कोई एंटर कर रहा है तो आवाज़ आ जाए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो लोग डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसको अनचेक करके रखिए. अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तरुण आईफोन लिखा है, मैंने दूसरे फ़ोन से कनेक्ट किया है, तो आई कैन चेंज माय नेम. ओके, तो आप चाहते हैं कि वो चेंज कर पाएँ तो क्लिक करिए. अगर आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट अपना नाम चेंज ना कर पाएँ, तो फिर आप इसको अनचेक कर दीजिए. लॉक मीटिंग का मतलब, अगर आपने अब मीटिंग लॉक कर दी, मान लीजिए मीटिंग स्टार्ट हो गई, मैंने अब क्लिक कर दिया लॉक, अब इस मीटिंग के अंदर कोई नहीं आ सकता. अगर आपको लगता है भाई जो लेट आ रहे हैं, अब आपके लिए एंट्री नहीं है, तो क्लिक लॉक. पुट पार्टिसिपेंट्स ऑन वेटिंग रूम, मैंने आपको बताया था अभी. एंड मर्ज टू मीटिंग विंडो, ये मैंने कभी ट्राई करके देखा नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर. मर्ज टू मीटिंग विंडो,
ओके, मर्ज टू मीटिंग विंडो का मतलब क्या हो गया कि ये जो पार्टिसिपेंट्स वाला जो दिख रहा है, मीटिंग यहाँ हो रही है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स भी साथ में दिख जाएंगे इस तरीके से. ओके, तो जस्ट सी, आपके लिए जो भी आपको सही लग रहा है यू कैन डू इट. ओके, यहाँ पे क्लिक करके देन क्लोज, बंद कर दिया मैंने. आई होप दी सेटिंग्स आर क्लियर. यस, और वीडियो को अगर आप बीच बीच में आपको अपना वीडियो ऑफ करना है तो क्लिक हियर, स्टॉप वीडियो, ऑन वीडियो, सिंपल. ओके, एंड बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सेटिंग्स नहीं बताना चाहूँगा. बहुत ज़्यादा डिटेल में सेटिंग्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा और कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, बट स्टिल देर इज़ वन सेटिंग विच यू कैन यूज़ इट. वीडियो सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर स्टॉप वीडियो में, यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये सब मैं कुछ मैं छेड़िए. बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो भी लैपटॉप का या फ़ोन का कैमरा ले रहा है वो ले रहा होगा, बट यहाँ पर यू कैन डू मिरर माई वीडियो. इसको अनचेक करके रखिएगा, बाई डिफ़ॉल्ट अनचेक ही होता है, वरना मिरर इमेज दिखता है, उल्टा दिखता है. और टच अप माई एक्सपीरियंस, माई अपीरियंस, तो ये अच्छा रहता है कि जिससे कि थोड़ा सा और आदमी गोरा लगता है, जैसे थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ. अगर मैंने इसको टचअप नहीं, अगर मैंने ऑफ कर दिया तो देख रहे हैं अभी भी मैं गोरा ही हूँ, इसलिए दिख रहा हूँ, अलग बात है. लेकिन थोड़ा सा पिंपल विम्पल डार्क वर्क थोड़ा से अच्छा टचअप कर देता है ये, तो ये अच्छा है, इसको करके देखिएगा. ओके, तो ये सब देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सही रहेगा आपके लिए. बाकी वर्चुअल बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो वर्चुअल बैकग्राउंड में जैसे मैं चाहता हूँ कि पीछे ये पर्दा वर्दा ना आए, वर्चुअल बैकग्राउंड, तो आई कैन क्लिक हेयर. बट ये बहुत अच्छे से अभी ऐसे चल नहीं रहा वर्चुअल बैकग्राउंड, क्योंकि अगर मान लीजिए वर्चुअल पीछे बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन होता, मतलब कुछ, एक मिनट, आई हैव ग्रीन स्क्रीन, इसको हटा देते हैं. ओके ओके, तो दिस वे, सो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है. बैकग्राउंड में आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं अपने एंड में, नन का मतलब पीछे, आप चाहते हैं कि पीछे पूरा ब्लैक हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट डोंट ट्राई ऑल दिस थिंग्स, अनप्रोफेशनल लगता है. ओके फाइन, सो दीज आर सम ऑफ दी सेटिंग्स. एंड वन मोर, एक नया बहुत अच्छा ऑप्शन आया है इसमें, दैट इज़ रिएक्शंस. तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये आया है अभी रिसेंटली, वो ऑप्शन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड. ओके, रिएक्शन कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ओके डिड यू लाइक इट, मैं बोल रहा हूँ डिड यू लाइक इट, तो मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट गिव अ थम्स अप. तो थम्स अप कैसे करेंगे, अब ये ऑप्शन आया है कि मान लीजिए मैं पार्टिसिपेंट बोल रहा हूँ, तो मैं पार्टिसिपेंट अपने फ़ोन से मैंने ओपन किया इसको रिएक्शंस को, एंड आई कैन डू दिस. आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे ऊपर थम्स अप, तो ये रिएक्शन बड़ा अच्छा आ गया. क्लैपिंग, तो क्लैपिंग तो कुछ 5-6 सेकंड के लिए रहता है, अपने आप हट जाएगा, 5-6-10 सेकंड, और देखिए अपने आप हट जाएगा, वेट, हट गया है ना. तो ये इस तरीके से आप लोगों को इंगेज कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा. ओके, रिएक्शन, राइट, गिव मी थम्स अप, तो एवरीबडी विल गिव यू थम्स अप ऐसे. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ रहा है. अब यहाँ पर जो ये है चैट विंडो, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन डू चैटिंग हियर, और टू एवरीवन, सब लोगों को जो भी आप मैसेज करेंगे सब लोगों को जाएगा, बट यहाँ पर वरना सभी लोगों का नाम दिखेगा. आप चाहें तो एक एक पर्सन को भी आप अलग से मैसेज करेंगे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मैसेज दिखेगा ये चैट में. यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन मुझे इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज मैं एज ए होस्ट मैंने अभी लॉग इन किया है. तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार ये जितने भी लोग हैं जो टीम मीटिंग में हैं वो एक दूसरे से बात ना कर पाएं. अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ तो सिर्फ मेरे से बात करें, या फिर अगर बात करें तो एवरीवन पब्लिकली, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा. तो अब अगर कोई भी, अगर मान लीजिए मैं दूसरे फ़ोन से अगर एज अ पार्टिसिपेंट अपने आप को देखूँ, और अगर मैं यहाँ पर चैट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर किसी एक पर्सन से बात नहीं कर पाऊँगा. आई कैन ओनली, जो भी मैं मैसेज डालूँगा वो एवरीवन को ही दिखेगा, बस बाकी लोगों को ही दिखेगा. वन टू वन किसी से बात नहीं कर पाऊँगा प्राइवेटली. होस्ट ओनली, तो सिर्फ मैं होस्ट से ही बात कर पाऊँगा. ठीक है, मतलब लोग सिर्फ मेरे से को ही मैसेज कर पाएंगे. नन, मतलब कि चैटिंग ही मैंने बंद कर दी, नो चैट अलाउड. तो ये सारे ऑप्शंस यू कैन ट्राई. ओके, वेरी गुड. ज़्यादा ऑप्शन, अगर आपकी टीम मीटिंग हो रही है तो व्हाट यू कैन डू इज एवरीवन पब्लिकली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. दिस इज़ अ गुड ऑप्शन जिससे एवरीबडी शुड इंगेज विद ईच एंड एवरीबडी. और आप देख पाएंगे कोई फालतू में एक दूसरे को छेड़ तो नहीं रहा है. ओके, प्राइवेटली कोई मैसेज तो नहीं कर रहा है. आई होप टिल नाउ इट इज़ क्लियर. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ये तो फ्री मोड था. फ्री मोड का सबसे बड़ा एक लिमिटेशन क्या है इस मीटिंग में, अगर दो लोग मीटिंग कर रहे हैं तो आप अनलिमिटेड मीटिंग कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए. बट अगर आप तीन या तीन से ज़्यादा लोग मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, मैं पहले यहाँ से अब इनको हटा दे, अब मैं इनको क्या, मैं खुद ही हूँ यहाँ पर, मैं अपने आप यहाँ से हट जाता हूँ. अब अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल मीटिंग्स आपको करनी है और टीम मीटिंग्स करनी है, बार बार मीटिंग्स करनी है, तो ये फ्री अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है, दिस इज अ बेसिक मोड. बेसिक मोड में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ 40 मिनट के लिए मीटिंग चलेगी, उसके बाद ये मीटिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी. And you don't want any disturbance. So what you can do is you can convert this basic mode to pro mode. Pro. So what is pro mode? ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी. Settings
में नहीं जाकर यहाँ पे देखते हैं, बाय अ लाइसेंस, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। मैं अगेन आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ गया, जूम एप्लीकेशन बस मैंने ओपन करी, मैंने अपने अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पर जो दिख रहा है, सिमिलरली फ़ोन पे भी आपको दिख जाएगा सेटिंग्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है बाय अ लाइसेंस। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जस्ट सी क्या ओपन हो रहा है, अपने यहाँ पे पीछे गूगल क्रोम या जो भी आपका ब्राउज़र है डिफ़ॉल्ट वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे फ़ोटो भी डाल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना एक तरीके से ये मेरा अपना प्राइवेट मतलब जूम का अकाउंट बन गया, ओके। सो क्रोम में यहाँ पर व्हाट यू कैन डू इज़, ये मीटिंग आईडी होगी आपकी पर्सनल मीटिंग आईडी, और ये सब चीज़ें दिख रहा है, मेरा ईमेल आईडी और ये सब सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिख रही है, एवरीथिंग इज़ गुड, कुछ भी चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिक मोड यहाँ पे दिख रहा है, यूज़र टाइप बेसिक मोड, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं। द मीटिंग्स यू होस्ट विल बी लिमिटेड टू 40 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 2 पार्टिसिपेंट। तो अपग्रेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन देता है हमें जूम। सो अभी तो ये फ्री मोड चल रहा है, और अपग्रेड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। सो लेट्स सी कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ है यहाँ पर। तो फ्री अकाउंट तो हम लोग यूज़ कर ही रहते हैं अभी। नाउ अगर हम चाहते हैं मल्टीपल लोग एक मीटिंग में 100 लोग आ सकते हैं, ओके 100 पार्टिसिपेंट, तो 14.99 पर मंथ पर होस्ट पर मंथ, ओके। सो अब अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 14.99 USD इन INR, तो जिस टाइम पे मैं ये ट्यूटोरियल आपके लिए आपको दे रहा हूँ उस टाइम पे ये लगभग 1100 कितना 42 को क्या बोलते हैं 42 का रुपीस का है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप सिर्फ टीम मीटिंग करना चाहते हैं और टीम का साइज़ ठीक ठाक है, 100 लोग हैं आपकी टीम में एक मीटिंग में आप समझ रहे हैं, तो जस्ट क्लिक हेयर और आप उसको, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक किया एंड फ्रॉम हेयर बाय इट नाउ सब दिख रहा है, इसको बंद कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पर ये इसको हटा दीजिएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये दिख रहा है एनुअल। आप चाहें तो पूरे साल का पेमेंट कर सकते हैं, तो पूरे साल का $149 बन गया। आप अगर पेमेंट करेंगे यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, ठीक है, तो फिर पेमेंट करेंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट $US है, इसको $US ही रखिए। तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करके यू कैन परचेज इट, और इमीडिएटली आपके अकाउंट से रुपया कट जाएगा एंड आपका ये लाइसेंस वर्जन बन जाएगा। पर मंथ अगर आप करना चाहते हैं तो पर मंथ के हिसाब से सेलेक्ट करिए, तो पर मंथ इतना रुपया कटेगा आपके अकाउंट से, रिकरिंग एवरी मंथ आपके क्रेडिट कार्ड से इतना रुपया कटता रहेगा एवरी मंथ, ओके। तो उस पर्टिकुलर मंथ में जो भी चल रहा है रेट डॉलर और रुपये का, उसके हिसाब से चलेगा ये, ओके। नाउ फिलहाल वेबिनार और ये सब चीज़ें क्या होती हैं आगे देखते हैं। फिलहाल दिस इज वन होस्ट एंड दिस इज दिस ऑर्डर समरी एंड फ्रॉम हेयर यू कैन क्लिक टू कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक किया एंड बस पेमेंट करिए, और क्या पेमेंट करिए, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो भी मांग रहा है जो भी है बस ठीक है। एंड पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड, अच्छा ये क्रेडिट कार्ड से ही ले रहा है, तो क्रेडिट कार्ड से ही आपको इसको परचेस करना होगा एंड एवरी मंथ आपके क्रेडिट कार्ड से रुपया कटते रहेगा, ओके। तो वेरी सिंपल, जैसे बाकी सब जगह पेमेंट करते हैं हम लोग, बस आपका ये बेसिक से प्रो मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, यस जस्ट टाइप इट्स क्लियर, ये बेसिक मोड से फिर आपको प्रो मोड में दिख जाएगा ये, ऑलराइट जस्ट टाइप क्लियर। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल देना चाहता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है ये सब चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, इसको आगे कर लीजिएगा। नाउ एक और चीज़ होती है यहाँ पर, हम वापस बैक करते हैं, कैंसिल करते हैं जरा इसको। यहाँ पे एक और चीज़ें दिख रही है अपग्रेड अकाउंट पे जो हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है नीड मोर पार्टिसिपेंट। अगर आप 500 पार्टिसिपेंट चाहते हैं आपके उसमें 500, तो फिर प्रो मोड में रुपये लगेगा $64.99 पर मंथ खर्चा होगा अगर 500 पार्टिसिपेंट का चाहिए आपको, तो वरना बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट होता है 100 पार्टिसिपेंट। यू हैव द ऑप्शन टू परचेज अप टू 1000 पार्टिसिपेंट का ही आप कर सकते हैं मैक्सिमम। तो पार्टिसिपेंट अगर आप 1000 का करना चाहते हैं पर मंथ $100, $104.99 इतना डॉलर पर मंथ आपके अकाउंट से कटेगा, ओके। तो अगेन डिपेंड करता है कि 104.99 कितना हो गया, 104.99 USD in INR। तो
तो अगर आपकी टीम का साइज़ बहुत बड़ा है तो 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं, अप टू यू। 100 के हिसाब से लेंगे तो 1100-1200 रुपये लगेंगे सिर्फ। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ मैं अब आपको मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अब जूम ऐप को मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू लॉग इन। अब एक काम करते हैं कि लेट्स यूज़ माई मैं अपना अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। चलिए zoom.us में एक बार फिर से एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर देर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ माई अकाउंट में मैं गया, लॉगिन कर लिया zoom.us में जाकर, माई अकाउंट में जाकर अपने अकाउंट से लॉगिन करने के बाद देर इज़ अनदर ऑप्शन वेबिनार। यहाँ पे देखिए, एक होता है मीटिंग, एक होती है वेबिनार। तो वेबिनार पे अगर मैंने क्लिक किया तो वेबिनार मोड एक डिफरेंट होता है। ओके, लेकिन वेबिनार मोड को लेने के लिए आप ये क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास प्रो मोड होना चाहिए, सबसे पहले प्रो मोड। तो जो मैंने आपको अभी बताया था, बेसिक मोड से पहले प्रो मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 100 लोगों का कितना है, $11.49 का था, उसको आप पहले परचेस करिए एंड देन यहाँ से आकर फिर आप वेबिनार मोड में भी इसको परचेस कर सकते हैं। वेबिनार मोड और इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, आई थिंक वेबिनार मोड का लगभग 4,000 रुपये पर मंथ का खर्चा है, लगभग 4,000 रुपये। जो अपग्रेड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपग्रेड अकाउंट पे क्लिक करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पर। ओके, पहले आपको ये परचेस करना होगा, उसके बाद ही आप वेबिनार मोड को परचेस कर पाएंगे। ओके, और देखते हैं, यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक किया तो नीचे ही ऑप्शन दिखा रहा है वेबिनार। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है वेबिनार एड ऑन। तो ये तो आपका पर मंथ लगेगा ही $14, $14.99 प्लस वेबिनार का भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो टोटल 40। ओके, मतलब कि 40 USD इन INR, तो इतना तो लगेगा ही प्लस, मतलब कि एक तरीके से $14.99 प्लस $40, ये एडिशनल, इसके अलावा ये भी रुपया दोनों ऐड करके 100 पार्टिसिपेंट के लिए अगर आप वेबिनार मोड में लेंगे तो 100 पार्टिसिपेंट का कितना पड़ेगा, $14.99 प्लस $40। 100 पार्टिसिपेंट्स, 500 पार्टिसिपेंट्स के लिए $140 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए $340 पर मंथ, पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट से रुपये कटेगा। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कैसे आप बिजनेस को प्लान कर रहे हैं, बट मैं आपको फिलहाल सजेस्ट करूंगा अगर वेबिनार मोड करना चाहते हैं तो 100 पार्टिसिपेंट इज गुड, क्योंकि वेबिनार मोड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं मैं आपको अभी वो बताता हूँ। सो लेट्स स्विच टू माई वेबिनार मोड ऑप्शन, वेबिनार मोड वाला जो है। ओके, अपनी उस आईडी से लॉग इन कर लेता हूँ, साइन इन कर रहा हूँ और मैं 100 पार्टिसिपेंट्स वाला ही यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, सो दिस इज माई जूम आईडी जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबिनार मोड। सो जैसे मैं वेबिनार पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे चाहे आप वेबिनार मोड यूज़ करें चाहे प्रो मोड यूज़ करें, नाउ द थिंग इज जब आप मीटिंग पे क्लिक करते हैं, चाहे आपका प्रो मोड है तब भी मीटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था कि जब हम मीटिंग को प्लान करते हैं, कोई भी मीटिंग, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ ऑप्शंस दिखाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ ऑप्शन सेट होते हैं। तो अगर आपका प्रो मोड भी है तभी आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल ए मीटिंग पे आप क्लिक करिए। ओके, शेड्यूल ए मीटिंग, वैसे तो प्राइवेट मीटिंग आप अपनी प्राइवेट मीटिंग आईडी से कर रहे हैं, बट यू कैन क्रिएट अ न्यू मीटिंग। और यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए आपकी टीम मीटिंग एक हो रही है डेली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डेली टीम मीटिंग ऑफ, मान लीजिए आपकी टीम का नाम है TLF ग्रुप, एग्जांपल। ओके, तो दिस इज़ अ टॉपिक, डेली टीम मीटिंग ऑफ TLF ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं टीम मीटिंग फॉर टीम मीटिंग, दैट्स इट, जस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नाउ व्हेन ये मीटिंग कब होनी है, अब बात क्या है कि ये मीटिंग एक बार नहीं होनी, मल्टीपल टाइम्स होनी है, तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर क्लिक ऑन हेयर रिकरिंग मीटिंग, रिकरिंग, अब रिकरिंग मतलब बार बार मीटिंग होनी है, बट कब तक होनी है, डेली, कितने दिनों के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा ही बार बार होनी है, तो व्हाट आई कैन डू इज हेयर मैं यहाँ पे कर दूंगा नो फिक्स टाइम, बार बार मीटिंग करनी है तो नो फिक्स टाइम, सारे ऑप्शन वो हट गए। ओके, सो विच मीन्स ये जो मीटिंग है ये मीटिंग आईडी बना के देगा एंड रिकरिंग मीटिंग है बार बार, नो फिक्स टाइम, जनरेट ऑटोमेटिकली मीटिंग आईडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बना देगा उस टाइम पे। ओके, या मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी यूज़ करनी है, मैं कह रहा हूँ पर्सनल नहीं आईडी यूज़ करनी है, जनरेट ऑटोमेटिकली। और क्या उस मीटिंग में, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पहले कि मीटिंग आईडी, एक मीटिंग ऑन करी तो उसमें पासवर्ड मांग रहा है, मैं चाहता हूँ यार ये बवाल ही हटाना है मुझे पासवर्ड का। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ से आपको अनचेक करना पड़ेगा, तो वो पासवर्ड मांगेगा ही नहीं, या फिर आप पासवर्ड मांग भी रहा है तो यू कैन टाइप योर पासवर्ड,
जो भी इजी पासवर्ड है, बट इतना इजी पासवर्ड का कोई फायदा ही नहीं है, तो अनचेक इट. तो अब ये एक टीम मीटिंग हो गई, टीम मीटिंग, डेली टीम मीटिंग ऑफ TLF ग्रुप, नो फिक्स टाइम, रिकरिंग मीटिंग, जनरेट ऑटोमेटिकली एक मीटिंग आईडी बना देगा, पासवर्ड नहीं चाहिए होगा. जैसे कोई ज्वाइन करेगा, होस्ट का भी वीडियो ऑफ होगा, पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑफ होगा, ऑडियो में कंप्यूटर ऑडियो कर लीजिए, ओके, या बोथ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑडियो फाइन, फ़ोन से करेगा या कंप्यूटर से चलेगा. मीटिंग ऑप्शन में इनेबल बिफोर, इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, होस्ट के ज्वाइन करने से पहले आप चाहते हैं तो इसको अनचेक रखिए. म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री, ये ठीक है. वेटिंग रूम, इनेबल वेटिंग रूम. अब ये जो ऑप्शन, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जैसे जूम मीटिंग ओपन करा तो एक एक करके लोगों को हमको एडमिट करना था, एडमिट है ना, एडमिट, जैसे कि यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि वो चक्कर ना हो, बस लोगों को एक लिंक दे दें, अपने आप ही बस ज्वाइन कर लें. तो इनेबल वेटिंग रूम को यहाँ यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं, एक एक करके उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है. ओनली ऑथेंटिकेटेड यूज़र, रिकॉर्ड, ऑटोमेटिक, सबको ऑफ करके रखिए फिलहाल, बस इतना ही काफ़ी है. तो ये बिल्कुल आइडियल मीटिंग सेटिंग्स हैं, तो आप चाहे तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं. दीज आर दी आइडियल मीटिंग सेटिंग जो आप बार बार अपनी मीटिंग के लिए करना चाहते हैं, ओके, अपनी टीम के लिए सेफ. अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक मीटिंग आईडी इसने बना दिया. नाउ यू कैन यूज़ दिस सेम मीटिंग आईडी अगेन एंड अगेन फॉर योर टीम मीटिंग, ओके. और यहाँ पर ज्वाइन यूआरएल, अब सिंपल सा, ये इतना बड़ा सा, हमने जो पहले देखा बहुत बड़ा सा यूआरएल बन चुका था, तो बड़ा सा यूआरएल नहीं, बहुत ही सिंपल सा ये इतना यूआरएल बन गया. ये आपका मीटिंग आईडी है. अब आप अपनी टीम को बस ये कह सकते हैं, ये ले लो और इस पर क्लिक करो, सीधा मीटिंग में आ जाओगे. होस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो आप बार बार एडमिट करें, सब लोग अपने आप ही मीटिंग में ज्वाइन कर लेंगे. वेरी वेरी सिंपल, ओके, ऑलराइट, वेरी सिंपल. आई होप टिल नाउ यू आर नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. और बाकी सब ऐड टू, ये सब चीज़ें फिलहाल अभी छोड़िए, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसते हैं. ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है. अब क्या होगा, ये आपने zoom.us वेबसाइट में आकर आपने अपने अकाउंट से ही मीटिंग वीटिंग सब बना ली है. सो व्हाट विल हैपन कि मैं जूम ऐप ओपन कर लेता हूँ और इसी आईडी से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ जो मैंने अभी उसमें मीटिंग बनाई है. तो जब आप अपने फ़ोन से या फिर अपने फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से जब कनेक्ट करेंगे तो फिर आप मीटिंग्स में जब जाएंगे, ओके, ये तो हो गया होम, चैट, मीटिंग्स. तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मीटिंग, ये तो हो गए, ओके, ये तो छोड़िए. तो अभी मैंने किस टाइप से बनाया था, किस नाम से बनाया था, डेली टीम मीटिंग ऑफ TLF ग्रुप, ये मैंने बनाया था अभी. बस अब मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी टीम मीटिंग होनी है, मैं इस मीटिंग पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट करूँगा, तो बस ये मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट. और बाकी लोग को सिंपल कोई पासवर्ड भी नहीं मांगेगा, यहाँ पर कोई पासवर्ड भी नहीं है, नो नीड ऑफ एनी पासवर्ड. तो वेरी सिंपल, ओके. सो कुछ नए अपडेट्स आए हैं जूम में, तो वो आप सेटिंग्स में, मतलब अपने zoom.us में जाकर, वहाँ से लॉगिन करके मीटिंग्स में जाकर, यहाँ से आप ये सब सेटिंग्स कर सकते हैं मीटिंग बाय मीटिंग. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. यस, दीज आर द मीटिंग आईडीज. नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट वेबिनार मोड. वेबिनार, नाउ वेबिनार और प्रो मोड में क्या डिफरेंस होता है कि वेबिनार मोड में, अब आप वेबिनार जब करते हैं उसमें क्या होता है कि देखिए, टीम मीटिंग में क्या होता है कि मल्टीपल लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की वीडियो देख सकते हैं, जस्ट लाइक अ प्रॉपर टीम मीटिंग. बट वेबिनार मोड में क्या होता है कि आप जब वेबिनार मोड में कोई चीज़ करते हैं, सो पहली बात तो क्या होता है, बाकी पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता चलता, बाकी पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल नहीं पता चलता कि और भी कोई पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, ओके. बाकी पार्टिसिपेंट को नहीं पता चलता पहली बात तो, ओके. और कितने पार्टिसिपेंट हैं बाकी लोगों को नहीं दिखेगा. और वेबिनार मोड में सबसे अच्छी बात क्या है कि वेबिनार मोड का जो जूम ऐप है, जूम में जो वेबिनार मोड है, इसमें आप वेबिनार की प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं. मान लीजिए आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन वेबिनार करना चाहते हैं, वहाँ पे आप प्रॉपर लोगों को रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हैं, एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और उस लैंडिंग पेज को यूज़ करके यू कैन सी जो लोग वेबिनार में आपके रजिस्टर कर रहे हैं, आप उनका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर पहले से ही ले सकते हैं, भाई कितने लोगों ने वेबिनार में रजिस्टर किया. तो एक लैंडिंग पेज बन सकता है, ऑटोमेटिकली उनको ईमेल चली जाएगी. सोचिए कितना बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली ईमेल चली गई उनको, रिमाइंडर चले गए कि वेबिनार स्टार्ट हो गया, आ जाओ आ जाओ. वेबिनार एंड होने के बाद भी यू कैन सेंड एन ईमेल, ऑटोमेटेड सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर. तो दैट्स वाई वेबिनार मोड इज़ रियली ग्रेट. और मैं आपको बताता हूँ कि वेबिनार मोड, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे परचेस करना है. अगर वेबिनार मोड है आपका, तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू zoom.us, ओके, zoom.us, और माय अकाउंट में जाकर ये सब प्रोफाइल और ये सब चीज़ें दिख जाएंगी. गो टू माय दिस वेबिनार, मीटिंग नहीं वेबिनार, एंड क्लिक ऑन शेड्यूल ए वेबिनार, ओके. इसको जरा डिलीट कर देते हैं फिलहाल. सो क्लिक ऑन शेड्यूल अ न्यू वेबिनार, ओके. शेड्यूल वेबिनार पर मैंने क्लिक किया,
बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए मैंने एक वेबिनार प्लान करना है, मान लीजिए इस संडे को एक वेबिनार प्लान करना है जिसमें मैं कुछ टीम में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। तो वेबिनार का मान लीजिए टाइप नाम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन एग्जांपल। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू यूज डिजिटल इकोसिस्टम टू बिल्ड योर ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे करके। दिस इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबिनार। वेबिनार कब होना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कब होना है। अगर आपको लगता है ये वेबिनार रिकरिंग बार बार आपको वेबिनार करना है, इन दैट केस अगेन द सेम ऑप्शन क्लिक हेयर। मान लीजिए एवरी संडे करना है, या फिर वेबिनार आपको नहीं पता, मैं कभी भी वेबिनार कर सकता हूँ लेकिन मेरा मीटिंग आई डी सेम रहे, तो वॉट यू कैन डू इज रिकरिंग पे क्लिक करके फ्रॉम हेयर नो फिक्स टाइम। ओके, नो फिक्स टाइम करके कर सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है कि वेबिनार मुझे इसी संडे करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं व्हेन, मान लीजिए संडे 12 और मान लीजिए 11 AM। ओके, 11 AM रिकरिंग नहीं है ये, तो 12 अप्रैल 2020 सुबह 11 बजे 11 AM। ओके, 11 AM एक घंटे का वेबिनार है और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये टाइम सेट हो गया। ओके, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड येस और नो, यहाँ पे जो मैंने आपको जो एग्जांपल दे रहा था वो बहुत बढ़िया यहाँ पर है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड येस कर देते हैं, तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। और साथ में क्या वेबिनार के लिए पासवर्ड डालना है, मैं आपको गाइड करूँगा कि पासवर्ड हटा दीजिए, क्योंकि फालतू में जब पासवर्ड क्यों, मतलब बहुत कुछ ऐसे ना हो, लोग जो फर्स्ट टाइम जूम यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम लगे पासवर्ड कहाँ पासवर्ड कहाँ, तो इसको हटा सकते हैं। ऑफ ऑफ कर दीजिए दोनों के वीडियो ऑडियो, ये हो गया। वेबिनार मोड में Q&A चाहते हैं कि नहीं, ओके, और बाकी सब इन सब को हटा दी, कुछ भी मत सेलेक्ट करिए, एंड शेड्यूल। ओके, सो दिस इज एन आइडियल वेबिनार सेटिंग वेबिनार मोड में। ओके, टॉपिक डिस्क्रिप्शन टाइम डेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड येस, यहाँ पे पासवर्ड हटा के क्लिक ऑन शेड्यूल। तो 12 अप्रैल को एक वेबिनार शेड्यूल कर दिया मैंने, और उसका आईडी, वेबिनार का आईडी जो होगा वो ऑटोमेटिकली इसने बना दिया, दिस इज वेबिनार आईडी नाउ, जूम ने अपने आप बनाया। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैंने वहाँ पे क्या, अब यहाँ जब हम वेबिनार बन गया उसके बाद जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दिखा रहा है बहुत बढ़िया बढ़िया, जो कि सिर्फ वेबिनार मोड में दिखता है। सबसे पहले एक ऑप्शन दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक, ये दिखा रहा है कि ये है रजिस्ट्रेशन लिंक। ओके, मतलब कि डायरेक्टली कोई वेबिनार में ज्वाइन नहीं करे, सबसे पहले आप चाहते हैं कि एक लिंक के थ्रू पहले वो पर्सन रजिस्टर करे आपके वेबिनार की तरफ, वेबिनार को। ओके, तो ये मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले जस्ट सी कि ये सब हो गया, और अलाउ अटेंडीज टू ज्वाइन फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, ये सब हो गए। नाउ एक और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईमेल सेटिंग्स, तो ये मेरी ईमेल है जो बाय डिफॉल्ट जूम में जो मैंने ईमेल बना रखी है, लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। इनविटेशन पैनलिस्ट अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। कन्फर्मेशन ईमेल टू अपॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करता है वेबिनार के लिए, इन्विटेशन पर जाते हैं, दिस इज रजिस्ट्रेशन लिंक, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ये अपने आप ही जूम ने बनाया है। ओके, इन्विटेशन, ये रजिस्ट्रेशन लिंक पर मैंने क्लिक किया, देखते हैं जैसे मैं इसको इस लिंक को देखता हूँ क्लिक करके तो क्या दिखता है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मतलब कि ये जो लिंक है पूरा का पूरा, ये लिंक है आपका वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक। अब जैसे से फॉर एग्जांपल आपने लीड जनरेट करी, चाहे कहीं से भी, चाहे सोशल मीडिया से कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कोई पर्सन कह रहे हैं हाँ भी मुझे भी वेबिनार सुनना है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक कॉपी पेस्ट करके उनको बोलिए इस पर क्लिक करो, वो क्लिक करेगा तो ये दिखेगा उसको वेबिनार रजिस्ट्रेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बिजनेस कितने बजे दिख गया। वो उससे मांगेगा आप अपना नाम लास्ट नेम ईमेल आईडी और फिर से ईमेल आईडी अपने लिखो, ये मांगेगा उससे। ये तो बाय डिफॉल्ट भरा हुआ है क्योंकि मैं अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भरा हुआ था। उससे नाम, और सोचिए आपने वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोगों ने रजिस्टर किया, उनकी ईमेल आईडी सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे बाद में आप उनसे फॉलोअप कर पाएँ। ओके, बट ये रजिस्ट्रेशन पेज ऐसा दिख रहा है, आप थोड़ा सा इसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेट मी टेल यू हाउ। योग्य रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर पूरा दिख जाएगा कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया, नीचे ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड, मैंने अप्रूव किया हुआ, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए। ओके, आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली अप्रूव ही रखिए। नाउ द थिंग इज, मैं चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन पेज होगा थोड़ा सा बेटर दिखे, तो क्लिक ऑन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पे क्लिक किया, एंड आई कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट अ बैनर कि बैनर दिखे ऊपर, बैनर, और ऊपर क्या दिखे, वेबिनार रजिस्ट्रेशन जैसे एग्जांपल, अभी देखते हैं कि कैसे दिख रहा है।
अभी हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है वेबिनार का. ऊपर क्या दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, वेबिनार रजिस्ट्रेशन. ओके, यहाँ पर आई कैन चेंज इट. ब्रांडिंग में जाकर वेबिनार रजिस्ट्रेशन की जगह आई कैन क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो कि सबसे ऊपर दिखेगा, वेबिनार ऑन हाउ टू अर्न फ्रॉम होम. जस्ट एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आपके वर्ड्स आपके आपकी मर्जी. मैंने सेव किया. अब इस वेबिनार रजिस्ट्रेशन को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी वेबिनार ऑन हाउ टू अर्न फ्रॉम होम. ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं ब्रांडिंग. नेक्स्ट इज़ बैनर. बैनर का मतलब यहाँ पे कोई फोटो वोटो नहीं दिख रही, आपको कोई फोटो ऐड करनी है तो बैनर आप देखेंगे, ध्यान से इसमें देखिएगा कि इमेज रिक्वायर्ड जेपीजी और ये सब इमेज, और मैक्सिमम डायमेंशन इज 1280x1280, ये डायमेंशन होनी चाहिए. अब क्या है, यह फोटो क्या डालें, कहाँ से डालें, तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन कैनवा. मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रहा हूँ, canva.com. यहाँ से आप कुछ बैनर फोटोज़ बना सकते हैं. हाउ टू डू, लेट मी टेल यू. यहाँ पे क्या बोला था, ये डायमेंशन क्या होना चाहिए, 1280x1280. सो कैनवा में क्लिक हेयर एंड यहाँ पे डाउन डाउन डाउन, यहाँ पे क्लिक करके डाउन 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 कस्टम डायमेंशंस, एंड यहाँ पे यू कैन टाइप विथ 1280, हाइट 1280 पिक्सल, क्रिएट न्यू डिज़ाइन. और यहाँ पे कैनवा इतने बढ़िया बढ़िया आपको टैम्पलेट्स देगा, आप उनमें से कोई भी टैम्पलेट को यूज़ करिए एंड अपने हिसाब से जो भी आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो भी आप वेबिनार कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टाइप योर जो भी आपका टॉपिक है. जैसे एग्जांपल ये भी है, वर्क फ्रॉम होम टूल्स है, वो भी है. तो ये है, मान लीजिए ये यूज़ करते हैं, अच्छा लग रहा है, लेट्स क्लिक हेयर डिस्टेंस एजुकेशन टिप्स. तो ऐसे कह सकते हैं कि लर्न हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया टू अर्न मनी फ्रॉम होम. ओके, थोड़ा सा इसको अपडेट करके थोड़ा सा इसकी साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्री लाइव वेबिनार, ऐसे करके. तो दिस इज़ अ बैनर. तो 1280x1280 कैनवास से मैंने बना लिया, और मैं इसको बस यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, PNG में कर लेते हैं डाउनलोड. देखिए ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हमें आनी चाहिए. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. टिल नाउ आर यू फाइंडिंग इट यूज़फुल, जस्ट टाइप यूज़फुल अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है लग रहा है तो. और यहाँ पर वापस मैंने वो फोटो बना ली, डाउनलोड कर ली. अब यहाँ पे मैं गया वेबिनार सेटिंग में, अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ बैनर जो मैंने अभी बनाया है. देखिए कितनी जल्दी फास्ट 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 बन रहा है. और इस बैनर को जो मैंने बनाया है, इस पर क्लिक किया जो मैंने अभी बनाया है, एंड ओपन, तो वो बैनर अपलोड हो रहा है 1280x1280 इस तरीके से दिखेगा. ओके, तो ये हो गया. अब वापस अगर हम ये जो हमारा वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक है इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो देखते हैं किस तरीके से दिखता है. अब हमें कोई अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो अब उसको इस तरीके से दिखेगा, है कि नहीं. तो बढ़िया दिख रहा है ना. थोड़ा सा टेक्स्ट और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं उसमें, अपने जो अपने बैनर बनाया है, तो इट विल लुक इट लुक कूल, है ना. तो ऊपर ये बैनर आ गया, नीचे आपका ये हो गया, एंड देन टॉपिक हो गया, ये हो गया. तो इस तरीके से जब वो कोई रजिस्टर करेगा तो रजिस्ट्रेशन पेज विल लुक रियली वेरी अट्रैक्टिव. ऑलराइट, ब्रांडिंग में ऐसे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि अपलोड योर लोगो, अगर आप एक लोगो डालना चाहते हैं. ठीक है, स्पीकर, हु इज़ द स्पीकर. तो स्पीकर अगर आप अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हियर आई कैन टाइप तरुण, फुल नेम अग्रवाल, टाइटल मैंने डाल दिया, मान लीजिए डिजिटल नेटवर्कर एग्जाम्पल, एंड बायोग्राफी ऑनलाइन बिजनेस, थोड़ा सा बायोग्राफी लिख सकते हैं कि तरुण अग्रवाल इज़ अ ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, क्योंकि वो जो पढ़ेगा तो उसको अच्छा दिखेगा, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट. क्या बोलेंगे, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट. ओके, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड एन एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया एग्जाम्पल जस्ट. और यहाँ पे फोटो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहा हूँ एक,
लेट्स सी, ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगता है. फोटो में यहाँ पे एक पकड़ ली फोटो, यहाँ से फोटो. अगर मान लीजिए फोटो आप जो डाल रहे हैं उसका डायमेंशन सही नहीं है, तो अगेन सेम डायमेंशन में कैनवास से आप बना सकते हैं फोटो को. तो ये फोटो मैंने यूज़ कर रहा हूँ एंड देन सेव. अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन पेज जूम का कैसे दिखेगा. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू हेयर. यहाँ पे गए, मैंने ब्रांडिंग में ये सब चीज़ें डाल दी है. ब्रांडिंग के अंदर अगेन लेट्स गेट बैक टू इन्विटेशन. इसको कॉपी करते हैं, इस लिंक को अगेन. ये लिंक वैसे ही रहेगा, ये बार बार चेंज नहीं होगा, बट जस्ट मैं फिर से कॉपी करके उसको ओपन करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है अभी. अब कोई अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा रजिस्ट्रेशन पेज पे, ऊपर उसको ये दिखेगा, फिर उसको ये दिखेगा, और फिर उसको यहाँ पर ये दिखेगा नीचे वेबिनार का टॉपिक. एंड डाउन 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 अगर वो जाएगा तो उसको क्या दिखेगा, रजिस्टर, और यहाँ पर दिखेगा अबाउट द स्पीकर तरुण अग्रवाल ऑनलाइन दे देते दे. तो इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी प्रोफेशनल फीलिंग. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी गुड कि आप वेबिनार पहले अपना रजिस्ट्रेशन पेज अच्छा सा इस तरीके से डिज़ाइन करें. ओके, नेक्स्ट इज जैसे ही इस यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर रजिस्टर करना चाहता हूँ, बट आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर उसका ईमेल आईडी नहीं, फ़ोन नंबर भी आपको चाहिए. आप जान पूछ के चाहते हैं कि फ़ोन नंबर भी मिले उसका. तो वॉट यू कैन डू इज़ यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन ये जो है यहाँ पर वॉट यू कैन डू इज़ यहाँ पे मैं देखता हूँ वो ऑप्शन कहाँ पर है. ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया. दे दे दिस ईमेल सेटिंग ब्रांडिंग. ओके, एक वो ऑप्शन मुझे इसमें देखना पड़ेगा ईमेल सेटिंग्स में. ओके, दिस 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 ईमेल कंफर्म अपॉन रजिस्ट्रेशन, नो ईमेल रिमाइंडर, ये सब हम बाद में देखते हैं. ऑटोमेटिकली अप्रूव, इसमें जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है. ओके, यस, तो यहाँ पर ये जो इनविटेशन करके जो मैंने एक वेबिनार बनाया था उसके डाउनलाइन नीचे स्क्रॉल किया, इनविटेशन पे गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है ना. बट यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन लिंक पे करके. जैसे कोई रजिस्टर करेगा, आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आए तो आप इस पर टिक कर सकते हैं. जैसे कोई रजिस्ट्रेशन, आपको बड़ी खुशी होती रहेगी, भाई ईमेल आ गया, किसी ने रजिस्टर कर लिया. क्लोज रजिस्ट्रेशन आफ्टर, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं क्लोज रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए इवेंट डेट के बाद. रेस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट्स, मान लीजिए आप चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा रजिस्टर ना करें, तो आप इस तरीके से ये सब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. पर यहाँ पे एक और क्वेश्चंस दिखा रहा है. यहाँ पे क्या पूछा, हमने क्या पूछा हुआ था, लास्ट नेम. ओके, लास्ट नेम और ये सब चीज़ें, फर्स्ट नेम तो मांगता ही है, फर्स्ट नेम एंड ईमेल आईडी तो रिक्वायर्ड होता ही है. बट उसके अलावा इफ़ यू वॉन्ट अनदर फील्ड जैसे आप चाहते हैं कि फ़ोन नंबर भी दिखे वहाँ पर. ओके, या फिर आप एक कस्टम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और वो होना चाहिए रिक्वायर्ड हो. एंड क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि योर व्हाट्सएप नंबर. ओके, तो जो रजिस्ट्रेशन पेज है उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी दिखाए, ईमेल आईडी भी मांगे, और रिक्वायर्ड फील्ड हो शॉर्ट आंसर में योर व्हाट्सएप नंबर. तो क्रिएट कर देते हैं एंड सेव ऑल कर देते हैं. अब क्या होगा, अब अगर वापस मैं उस पहले सेव कर लिया इसको हमने. इफ़ आई गेट बैक टू हेयर एंड इनविटेशन में गए, और ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक है इसको मैंने कॉपी कर लिया, और फिर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ रजिस्ट्रेशन लिंक को, तो वेबिनार में ये बहुत बड़े ऊपर दिख रहा है. ओके, ये सब चीज़ें अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी मांग लिया, ईमेल आईडी मांग ली उस पर्सन से, दो बार इसलिए लिखवाता है जैसे गलती से कोई गलत ईमेल आईडी ना लिख दे, एंड व्हाट्सएप नंबर. अब व्हाट्सएप नंबर भी रिक्वायर्ड है. अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा जब भी मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है. अब मैं एक काम करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करके देखता हूँ. एग्जाम्पल राहुल कुमार, जस्ट ट्राई करने के लिए tarunclean@gmail.com यूज़ कर लेते हैं, @gmail.com ये मैंने डाल दिया, ये मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया. और मान लीजिए मैंने रजिस्टर किया, ये एक पार्टिसिपेंट ने रजिस्टर कर लिया मान लीजिए उस लिंक के थ्रू, तो रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया. अब मेरे को फीलिंग आ गई, यस, अरे वाह, मैंने वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लिया है. अब यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट व्हाट आई कैन डू, ऐड टू कैलेंडर, तो मेरे कैलेंडर में ऐड हो जाएगा, और मेरा गूगल कैलेंडर या फ़ोन में अगर मैंने इसको खोला हुआ है तो फ़ोन में अपने आप ही वो रिमाइंडर सेट हो जाएगा, और मेरे कैलेंडर में आ जाएगा कि भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, वेबिनार खोल लो. ओके, और दिस इज़ द लिंक, और इस लिंक को भी क्लिक करके वो कर सकता है, या फिर उसको ईमेल पे भी मिल जाएगा. और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ईमेल में क्या आया है. ओके, दिस वन. तो एज अ पार्टिसिपेंट अगर मैं देखता हूँ तो इस तरीके से यू कैन सी, इस तरीके से एज अ पार्टिसिपेंट मुझे ईमेल आया, राहुल, हाय राहुल कुमार, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग
सबमिट एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इनको मेल कर सकते हैं 12 तारीख को सुबह 11 बजे मैक पे। अगर आपको ज्वाइन करना है आईफोन पे तो बस इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमने अभी ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सो दिस वे द पर्सन हैज़ रजिस्टर्ड। सो बहुत ही अच्छा है, प्रोफेशनल कल्चर एक दिखता है वे कि इस तरीके से आप लोगों को रजिस्टर करवा रहे हैं। और एज अ होस्ट आपको क्या दिखेगा, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको ये दिख जाएगा कि भाई एक पर्सन ने रजिस्टर कर लिया। कैसे दिखेगा यहाँ पे, जस्ट सी, मैंने उसको रिफ्रेश किया जस्ट इस वेबिनार में, आई गो डाउन वन रजिस्ट्रेंट और व्यू, अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दिख जाएगा ओके राहुल कुमार ने 8 तारीख को 3:38 पे इन्होंने रजिस्टर कर लिया। ओके, नाउ इफ आई क्लिक हेयर ऑन राहुल कुमार आई कैन सी हिज व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। सो मेरे पास मेरे वेबिनार में अगर मैंने 40-50 लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया इस तरीके से, उनका ईमेल आईडी मिल गया, नाम मिल गया और उनका व्हाट्सएप नंबर भी मिल गया। हो सकता है कि वो लोग वेबिनार को अटेंड ना करें या वेबिनार को अटेंड करने के बाद वो बिजनेस में ना आए, बट एटलीस्ट आपके पास लीड जनरेट हो गई। आप समझ रहे कि नहीं? सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको ये पहले से पता था ये सब चीज़ें? वेबिनार मोड इज़ रियली ऑसम। ओके, इट इज़ रियली ऑसम। सो आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल सो फार? देखिए ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कितना टाइम निकल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि कितना वैल्यू मैं आपको दे पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो हमको क्या करना है, एक बार वेबिनार हमने बना दिया, बस इस रजिस्ट्रेशन लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे दें या कहीं पर भी दें, हाय आप एक एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, हाय रजिस्टर फॉर माई वेबिनार, और इस लिंक को देते रहिए तो लोग इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा कौन कौन रजिस्टर कर रहा है, बस फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी सब चीज़ें मिली जाएंगी आपको, करेक्ट। अब ईमेल सेटिंग्स में देखते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पास एक ईमेल आ गई, तो जैसे ही कोई अगर रजिस्टर करता है, इनविटेशन ईमेल हो गया, कन्फर्मेशन ईमेल, तो मेरे पास जैसे ही रजिस्टर हो रहा है अपने आप ही ये ईमेल मुझको पहुंच रही है, मिल रही है। बट अगर मैं चाहता हूं कि उसको अपने आप रिमाइंडर भी पहुंच जाए कि भाई आधा घंटा रह गया, एक घंटा रह गया, तो रिमाइंडर ईमेल अपने आप जाए, उसके लिए क्या करेंगे? यहां पर आप एडिट पे क्लिक करके, देर इज सो मैनी ऑप्शन, देर आर वन आवर बिफोर द वेबिनार, एक ए वन डे बिफोर द वेबिनार, वन वीक बिफोर द वेबिनार, सो मान लीजिए एक दिन पहले, तो रिमाइंडर मीटिंग, जो भी मीटिंग टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट्स इन दिस टाइम, स्टार्ट्स इन जो भी टाइम है, तो आप ये पहले से कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं सेव, तो अब क्या होगा कि एक दिन पहले जैसे वेबिनार है सुबह 11 बजे, तो संडे को सुबह 11 बजे वेबिनार है, तो सैटरडे को सुबह 11 बजे मेल चली जाएगी, हाय ये रिमाइंडर है कि ये वेबिनार हमारी स्टार्ट होने वाली है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड आप इन सब चीज़ों को, ये है कि यू कैन यूज़ दीज टेम्पलेट्स। ओके, इस टेम्पलेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रिमाइंडर मेल अपनी आप ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। सिमिलरली फॉलो अप, ये होगी रिमाइंडर ईमेल जो आप एक ही भेज सकते हैं फिलहाल, तो एक घंटे पहले डालेंगे अच्छा रहेगा। देन नो फॉलो अप, नो फॉलो अप ईमेल टू अटेंडी, मान लो फॉलो अप ईमेल करना है बाद में, तो सेंड अ फॉलो अप ईमेल, तो वन डे आफ्टर द वेबिनार, मान लीजिए वेबिनार खत्म हो गया, अब उसके एक दिन बाद आप अपने आप ही एक भेजना चाहते हैं एक ईमेल, तो एक दिन बाद उसको ईमेल में चले जाएगा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस, वी होप यू एंजॉयड द इवेंट, प्लीज़ सबमिट योर क्वेश्चन और ये कनेक्ट विद मी, या फिर जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाय, और उसका नाम लिखना है तो यू कैन जस्ट कॉपी हेयर यूज़र नेम, हाय यूज़र नेम, ओके, येस्टरडे वेबिनार वॉज ऑसम, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, और जैसे ही एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली जूम से उसको मेल चली जाएगी उन सभी पार्टिसिपेंट्स को। ओके, और तो ये हो गया जिन लोगों ने अटेंड किया, बट जो लोगों ने अटेंड नहीं किया, जो एबसेंटीज हैं, जिन्होंने जो अटेंड नहीं कर पाए, रजिस्टर करने के बाद अटेंड नहीं किया, आप उनको भी मेल कर सकते हैं। ओके, आई सॉ दैट यू रजिस्टर्ड फॉर माई वेबिनार बट यू डिडेंट रजिस्टर, कैन यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, आप अपना लिंक दे सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, लेट्स गो अहेड, आई विल इन्वाइट यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, कुछ भी जो भी आप मेल करना चाहते हैं आप उनको मेल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, एब्सेंटीज को आप मेल करें कि आई एम कमिंग अप विद द नेक्स्ट वेबिनार विच इज़ कमिंग ऑन सैटरडे, ऑन संडे, जो भी है क्लिक हेयर, तो जो भी एब्सेंटीज हैं उनको फिर नेक्स्ट वेबिनार के लिए इन्विटेशन लिंक दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन लिंक। सो दिस वे ब्रिलियंट वे है यहाँ से ऐसे करने का। नाउ लेट मी टेल यू ड्यूरिंग द वेबिनार, वेबिनार के टाइम में अब क्वेश्चन ये है कि वेबिनार को कैसे चलाएं। ओके, सो मैंने ये पूरा वेबिनार बना दिया, ओके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के नाम से सेटिंग्स कर दी ये सारी। नाउ अगर मुझे वेबिनार होस्ट करना है, मान लीजिए ये टाइम आ गया 12 बजे सुबह 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे, मैं क्या करूँगा, अपना लैपटॉप में ओपन करूँगा जूम ऐप, ओपन करूँगा और ये होता है होम, जूम ओपन करके करने के बाद मीटिंग्स में जाऊंगा, और यहाँ पर ये जो कमिंग अप ये जो है मीटिंग,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, इस पर क्लिक करूँगा ये जो है। ओके अब वो बहुत सारी दिख रही है, रिकरिंग नहीं है ये, मैंने 12 तारीख के लिए बना रखा है, बस मैं इस पर स्टार्ट कर दूँगा एंड एज अ होस्ट वेबिनार स्टार्ट। दैट्स इट, वेबिनार स्टार्ट हो गया ये। ओके वेबिनार इज नाउ स्टार्ट। अब ये है वेबिनार मोड, तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस वो नहीं दिखते हैं जो ऑप्शन मीटिंग में दिखते हैं। ओके सो यहाँ पर जिन लोगों ने रजिस्टर किया होता है उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चला गया, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो लोग अपने आप वेबिनार में आ जाएंगे। एंड यहाँ से यू कैन सी यहाँ पे दिखता है एक पैनलिस्ट एंड अटेंडीज। सो अटेंडी जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सबका नाम यहाँ पे दिखेगा आपको। ओके सबके नाम यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, रेज हैंड आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अटेंडी बाकी के जो अटेंडी हैं वो भी पार्टिसिपेंट का काउंट देख पाएं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तभी वो देख पाएंगे, वरना बाकी लोगों को नहीं दिखेगा कि कितने लोग देख रहे हैं अभी इस टाइम पे। ओके म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री और जो भी सब सेटिंग्स हैं, यू कैन यूज ऑल दी सेटिंग्स। ऑलराइट सो अमेजिंग। नाउ द थिंग इज वेबिनार मोड में जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि लोग जो लोग वेबिनार को देख रहे होते हैं वो सिर्फ आपको देख रहे होते हैं, बाकी लोगों को नहीं देख पाते। ओके नाउ ड्यूरिंग द वेबिनार अगर आपको पोल चलाना है कुछ पोल, तो यहाँ पे पोल पे क्लिक करके देर इज नो क्वेश्चन राइट नाउ हेयर, तो पीछे जो आपने zoom.us क्रोम पे खोला हुआ है उसी वेबिनार को ओपन किया हुआ है आपने, उस वेबिनार के यहाँ पर नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे सेटिंग्स में दिखाएगा नीचे पोल्स, तो पोल्स पे क्लिक करके नो पोल क्रिएटेड, तो यहाँ पे मैं एक पोल ऐड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने पोल ऐड कर दिया, ऐड अ न्यू पोल, जैसे कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अटेंडेड माई वेबिनार, मान लीजिए ये पोल का बस एक मैंने अपने लिए बना दिया, बट यहाँ पे एग्जैक्टली जो क्वेश्चन उनको दिखेगा। ओके हाउ मैनी टाइम्स हैव यू अटेंडेड माई लाइव वेबिनार्स, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन दे दिए, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, ओके लेस देन 5 times एंड मोर देन 5 times, कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया एंड देन सेव पे क्लिक किया। सो फाइनली एक पोल मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ओके इस वेबिनार में, तो ये पोल पे क्लिक करूँगा तो ये दिस इज़ अ पोल। अब वापस अगर मैं वेबिनार में जाता हूँ, इफ़ आई क्लिक ऑन पोल, अभी फिलहाल ये रिफ्रेश नहीं हुआ तो मैं पहले इस वेबिनार को बंद करता हूँ एंड अगेन इस वेबिनार को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो जो पोल का मैंने जो ऑप्शन वहाँ पे डाला हुआ है, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, दैट क्वेश्चन विल कम हियर। आई मीन ये स्टार्ट हो गया वेबिनार, लोग आते रहेंगे, आई विल अनम्यूट एंड स्टार्ट वेबिनार। यहाँ पे पोल पे क्लिक करके आई कैन जस्ट लॉन्च अ पोल, पोल लॉन्च कर दूंगा तो लोगों को ये सारे पोल दिखेंगे और जैसे जैसे वो आंसर देते रहेंगे वो आंसर आते रहेंगे मेरे सामने। आई क्लिक ऑन एंड पोल एंड आई कैन नाउ शेयर रिजल्ट, तो वो सभी लोगों को रिजल्ट शेयर हो जाएगा, शेयर रिजल्ट, सब लोगों को रिजल्ट दिखेगा। तो इस तरीके से यू कैन ऐड अ पोल ऑल्सो। ऑलराइट सो आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सो फार। नाउ द लास्ट विच आई वॉन्टेड टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टिप, दैट इज हाउ टू इंटीग्रेट योर जूम मीटिंग, जो लाइव मीटिंग चल रही है उसको यूट्यूब और फेसबुक से कैसे कनेक्ट करें। ओके सो वॉट यू कैन डू इज, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो मीटिंग हो आपकी, प्रो मोड है या फिर वेबिनार मोड है, दोनों में ये पॉसिबल है। क्लिक हेयर मोर पे क्लिक करिए एंड ऑल्सो रिकॉर्ड का भी मैं आपको बताता हूँ, क्लिक ऑन ऑन दिस कंप्यूटर, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मैं जो भी बोलूँगा वो सब के सब मेरे सेव हो जाएगा, मतलब कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा। एंड वो मीटिंग जैसे ही मैं बंद कर दूंगा, एंड मीटिंग करूँगा एज इट इज़, जो भी मेरी पूरी मीटिंग में जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरे माई डॉक्यूमेंट्स में, या फिर अगर हम मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में जाकर वहाँ पे सेव हो जाता है अपने आप ही, जूम करके एक फोल्डर बन जाएगा। ओके सो ऑन योर कंप्यूटर करिए, क्लाउड में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आई थिंक 1 GB या कुछ अपने कंप्यूटर में पूरी रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे लाइव जाना चाहते हैं या फेसबुक पे, वर्क प्लेस मैंने कभी यूज़ नहीं करा तो आई हैव डन यूट्यूब एंड फेसबुक, तो बहुत ही सिंपल है, बस क्लिक करिए फेसबुक तो पीछे फेसबुक ओपन हो जाएगा, और क्रोम में अगर आपका फेसबुक पहले से अगर लॉग्ड इन है सो इट विल आस्क कि कहाँ पर दिखाना है आपके टाइमलाइन में, या फिर किसी ग्रुप में आपको लाइव जाना है। ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ मेरे टाइमलाइन में चले जाओ, फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये जो मेरी मीटिंग है, मान लीजिए जिसमें वीडियो ऑन कर देता हूँ, तो ये जो मेरी मीटिंग है फेसबुक पीछे ओपन हो जाएगा, वो कनेक्ट करेगा जूम मेरे फेसबुक से, बस अपने फेसबुक में जैसे कैप्शन डालते हैं, वीडियो का कैप्शन डाल दीजिए जो भी आपका टॉपिक है एंड क्लिक ऑन गो लाइव। सो जूम पे जो भी आप बात करेंगे एज इट इज़ एवरीथिंग विल बी शोन लाइव
ऑन फेसबुक. एक टाइम पे फेसबुक और यूट्यूब में से आई थिंक एक टाइम पे आप एक ही जगह लाइव जा सकते हैं. ओके क्योंकि यहाँ पर अगर वापस जूम में जाऊँगा तो यहाँ पे लाइव ऑन यूट्यूब नहीं दिखाएगा. या तो मैं फेसबुक में जा सकता हूँ या फिर आई कैन गो लाइव ऑन यूट्यूब. तो इस तरीके से दिख जाएगा. इट इज़ लिटिल स्लो. ओके तो जो भी आपका टॉपिक है कैप्शन यू कैन पुट हेयर एंड जो भी टाइटल है एंड देन गो लाइव पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आई विल गो अपनी आप ही लाइव चले जाएगा मेरे उसमें. थोड़ा सा लैग होता है बट खैर जो भी है. तो दिस वे यू कैन ट्राई गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक. ऑलराइट सो आई होप यू फाउंड दिस एंटायर थिंग सुपर वैल्यूएबल. ओके और ट्राई करिए खुद से भी बिकॉज सब चीज़ें जितना मैंने आपको बताया है अगर आप इन सब चीज़ों को ही एग्जीक्यूट करें इन सब चीज़ों को ट्राई करेंगे सेटिंग्स में जाके zoom.us में जाकर माई अकाउंट में जाकर आप ट्राई करिए कि क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे दिखाता है. एंड वो जो पासवर्ड मांगता है आप उसको ऑफ कर सकते हैं एक्चुअली. ओके मीटिंग्स में जाकर zoom.us में जाकर सो ये सब सेटिंग्स को ट्राई करिए एंड रिकॉर्ड करिए अपनी मीटिंग्स को सेव करिए और रीयूज़ करिए उन सब चीज़ों को. ऑलराइट आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल बोरिंग नहीं हुआ है यूजफुल हुआ है तो जस्ट टाइप यूजफुल एंड शेयर दिस विद मैक्सिमम पीपल बिटवीन विद इन योर टीम. थोड़ा सा लंबा वीडियो है बट उनको बोलिए कि जूम में सब कुछ समझ में आ जाकर आप ये देख लोगे तो. ऑलराइट ऑल द बेस्ट एवरी वन एंड ऑल्सो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. डोंट मिस इट बिकॉज और भी बहुत सारे वैल्यूएबल कॉन्टेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ आगे भी. ऑलराइट सी यू बाय. अगर इनकेस कोई भी और भी क्वेश्चन है आपके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं. तो सी यू बाय.